हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको सिखाएगा शादी वाली वोक्यूबुलरी। तो दोस्तों, बस लर्न करना है, ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं मन में। सी, शादी की अगर हम बात हो तो शादी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैरिज और वेडिंग। शादी को और दूल्हा दुल्हन ना हो तो काहे की शादी। दूल्हे को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रूम और दुल्हन को कहा जाता है ब्राइड। और ये जो जोड़ा होता है इसे इंग्लिश में कहा जाता है कपल। अब शादी सिर्फ दो ही लोगों की नहीं होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, जो कुछ दुल्हन वाले होते हैं, कुछ दूल्हे वाले होते हैं। तो दुल्हन वाले लोगों को कहा जाता है ब्राइड साइड पीपल और दूल्हे वाले लोगों को कहा जाता है मैरिज पार्टी। पर जब दूल्हा तैयार होकर निकलता है कहां पर, बारात के लिए, सो बारात इस साल का प्रोसेशन इन इंग्लिश प्रोसेशन। अब हम बात करते हैं फेरे लेना, तो फेरे लेने की इंग्लिश होती है सरकमबुलिंग। परंतु जब दूल्हा दुल्हन के फेरे लेने की बात होती है तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं सरकमबुलेट अराउंड द होली फायर, सरकमबुलेट अराउंड द होली फायर। अब शादी में पंडित जी होते हैं जिनका काम होता है मंत्रोच्चारण करने का, तो मंत्रोच्चारण की इंग्लिश होती है इंचेंटिंग मंत्रास, इंचेंटिंग मंत्रास। अब यदि हम शादी की बात करें और हम वरवाला को भूल जाए तो दैट इज नॉट गुड। वरवाला को हम बोलते हैं एक्सचेंजिंग गार्लैंड। शादी में जब शादी हो जाए तो विदाई की रस्म होती है, विदाई की रस्म को इंग्लिश में कहा जाता है फेयरवेल सेरेमनी। जब विदाई होती है तो दुल्हन जब घर में आती है तो उस गृह प्रवेश को इंग्लिश में कहा जाता है होम इन सेरेमनी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने शादी बहुत एंजॉय की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बस लाइक शेयर एंड फॉलो अस। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।